हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम बैक टू कैड स्टाइलर्स सॉलिड वर्क्स ट्यूटोरियल सीरीज। सो फ्रेंड्स, आज आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये एक प्रोडक्ट है जिसको हम आज सॉलिड वर्क्स के अंदर डिज़ाइन करेंगे बिल्कुल लाइव। ठीक है, कोई भी हमारे पास डायमेंशन नहीं है। सो इस तरह से ये प्रोडक्ट दिखाई देता है, अंदर से इस तरह से शेल और बैक साइड से इस तरह से दिखाई देता है। सो इस तरह से ये प्रोडक्ट है और हमारे पास इसको मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर है। ओके, सो वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम इसे मेजर करेंगे, इसकी हाइट को मेजर करेंगे, इसका इंटरनल डाया मेजर करेंगे, इसका आउटर डाया मेजर करेंगे और इसकी हाइट मेजर करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास एक स्प्रे बॉटल है। ठीक है, सो जो अभी मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाया था वो इसकी कैप है। ठीक है, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक सा मेरे को ये प्रोडक्ट लगा, तो मुझे लगा कि इसे डिज़ाइन करना चाहिए, वो भी लाइव। तो आज मैं इस प्रोडक्ट को लाइव डिज़ाइन करूँगा। ठीक है, बाद में इसकी बॉटल को भी डिज़ाइन करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं इसको आपको यहाँ पे देखिए ये कैप लगा के भी दिखा देता हूँ। तो इस तरह से ये कैप है, इसके साथ लग जाती है। सो इस तरह से मुझे ये कैप काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, ये प्रोडक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, इसका डिज़ाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। सो काफ़ी बॉटल्स जो हमने डिज़ाइन किए हैं, बट इस तरह का प्रोडक्ट भी डिज़ाइन करना चाहिए। सो आज मैं इस चीज़ को डिज़ाइन करूँगा। ठीक है, ओके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं हमने डायमेंशंस ली थी वर्नियर कैलिपर से। सो एक सर्कल था हमारे पास जिसका डाया हमारे पास 10 mm था, तो उसकी डायमेंशन हम ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसकी हाइट हमारे पास कितनी थी, 17.9 mm। ओके, सो इसको एक्सट्रूड कर लेंगे, डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं और इसको आप दे दीजिए वैल्यू 17.9 mm। तो इस तरह से ये यहाँ पे सिलेंडर क्रिएट हो जाएगा। नाउ इसको फिलेट दे देंगे हम। सो फिलेट आप इसकी 1 mm रख लीजिए और इसके बाद इसे हम शेल भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वर्नियर कैलिपर से जैसे इसकी थिकनेस बता रहे 1.3 mm, सो शेल इसको कर देंगे हम और इसकी वॉल के थिकनेस को रख देंगे 1.3 mm। सो इस तरह से ये हमारे पास शेल भी क्रिएट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो इसके बाद हमने इसकी बैक साइड सपोर्ट बनानी है। सो सपोर्ट की आप डायमेंशंस देख सकते हैं यहाँ पे वर्नियर कैलिपर में। सो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लूंगा। सो जिसकी जो विड्थ है हमारे पास वो 6.9 दे रखी है वर्नियर कैलिपर में, आप चेक कर सकते हैं, और इसकी हाइट भी आप चेक कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर में। सो इसकी जो विड्थ है हमारे पास कितनी हो जाएगी, 6.9 mm। सो इस तरह से इसकी विड्थ आ जाएगी और इसे आप सिमेट्रिक कर देंगे कंट्रोल प्रेस करके दोनों ऑब्जेक्ट को और सेंटर लाइन को प्रेस करेंगे, तो यहाँ से आप इसको सिमेट्रिक कर सकते हैं। सो गाइस, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी अभी, 15.9। सो यहाँ से हम इसकी हाइट ले लेंगे 15.9 mm। ओके, सो इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को, सो ये इस सिलेंडर के साथ ही बिल्कुल ज्वाइन होके एक्सट्रूड हुआ है। सो हम इसे क्या करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट कमांड। ऑफसेट के लिए मुझे डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो कितना एक्सट्रूड करेंगे हम वो पहले देख लेते हैं। सो इसका डाया मेरे पास कितना आ रहा है, 10 mm आ रहा है, और अगर मैं दोनों का टोटल डिस्टेंस देखूं तो वो कितना आ जाएगा। सो आप देख सकते हैं ये दोनों का टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है मेरे पास, 14.7। सो 14.7 के लिए हमें ऑफसेट कितना लेना है अभी, अब ये सेंटर से ही जा रहा है। सो अब सेंटर से हम 14.7 से 5 mm को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9.7। सो 9.7 mm इसे ऑफसेट कर देंगे और उसके बाद मैं इसे क्या करूंगा, अप टू द सरफेस एक्सट्रूड कर दूंगा। अब सरफेस कौन सा आएगा, ये वाला। सो आप देख सकते हैं इसके साथ बिल्कुल ही ये एक्सट्रूड हो जाएगा। सो अगेन इसको भी हम शेल कर सकते हैं 1.3 mm। ओके कर दीजिए, तो इस तरह से ये भी शेल हो जाएगा। इसके बॉटम पार्ट को भी आप फिलेट कर सकते हैं, तो इस तरह से ये भी फिलेट हो जाएगा। सो इस तरह से आपके पास गाइस ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये क्रिएट हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमें इसे ग्रिप डिजाइन करनी है।
सो ग्रिप के लिए फ्रेंड्स हमारे पास क्या है, सो गाइस दे सकते हैं आप। मुझे इस प्लेन पे ये डिजाइन करना है और इस तरह से डिजाइन करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल हो जाएगा। सो इसकी डायमेंशन हमारे पास 21 हो जाएगी। आप वर्नियर कैलिपर में देख सकते हैं यहाँ पे। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट एंटिटीज कर देंगे, ये जो सेंटर लाइन है। और इसे हम क्या करेंगे, टेंजेंट। सो यहाँ से हमारे पास ये टेंजेंट हो जाएगा और इसे हम कर देंगे। सो फ्रेंड्स इसके बाद हम इसको हल्का सा अंदर की तरफ मूव करेंगे ताकि ये इस सरफेस से ही बिल्कुल एक्सट्रूड हो प्रॉपर। ओके, सो इस तरह से हम क्या करेंगे, डायमेंशन यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है मेरे पास, 28.4। तो हम इसे कितना करेंगे, सो 28.4 में से 0.67 में से माइनस कर देंगे। तो इतना हमारे पास, ये देखिए बिल्कुल इसके साथ ही ज्वाइन हो रहा है। तो इतना हमें एक्सट्रूड करना है, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पे कट भी है। सो कट का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 13 mm हमारा। वन ईयर कैलिपर में चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे वन ईयर कैलिपर में कितना डिस्टेंस दे रखा है इसका, 13 mm। एक रेक्टेंगल ले लेते हैं यहाँ पे। सो जिसका डिस्टेंस हमारे पास कितना आ रहा है, 13 mm आ रहा है। सेंटर लाइन से इसे सिमेट्रिक कर देंगे हम। सो इस तरह से आपके पास ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। और इन द एंड हम क्या करेंगे, इसे ट्रिम कर देंगे, बिकॉज हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये कट चाहिए। ओके, और देन हमारे पास इसकी थिकनेस भी है, तो 1.3 mm थिकनेस है। सो यहां से हम क्या करेंगे, ऑफसेट करेंगे, 1.3 mm ऑफसेट कर देंगे इसे। सो इनसाइड करेंगे तो यहाँ से आप रिवर्स कर सकते हैं और इसी कैप को एंड भी कर सकते हैं, बिकॉज हमें कैप इसकी क्लोज चाहिए। तो चाहे तो आप इसकी कैप को प्लेन रख सकते हो, चाहे तो आप सर्कुलर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो इस तरह से फ्रेंड्स ये भी आ जाएगा। देन इसे हम एक्सट्रूड करेंगे। सो सिलेक्ट द स्केच, एक्सट्रूड। देन कहाँ से करेंगे हम इसे एक्सट्रूड, फ्रॉम वर्टेक्स। वर्टेक्स से करेंगे, इट मींस यहां से करेंगे। और कितने एमएम करेंगे, आप देख सकते हैं वन ईयर कैलिपर में इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 13.5। तो हम यहां से इसकी हाइट जो है वो 13.5 mm ले लेंगे। तो इस तरह से आपके पास ये भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट में साइड से हमारे पास एक कट आ रहा है इस वाले फेस से, और यहीं पे एक एक्स्ट्रा प्लेट भी आ रही है, ठीक है। सो यहां से हम क्या करेंगे, नॉर्मल करेंगे, इसी को स्केच करेंगे। सो इसका डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। सो इंटरनल डायस का कितना है, 15 mm का। सो 15 mm का एक सर्कल लगाएंगे हम। इसका सेंटर पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पे, और इसका डाया कितना आ रहा है, 15 mm। सो इस तरह से ये हमारे पास डाया आ रहा है। और जो ये वाला आपके पास स्केच आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट एंटिटीज करेंगे, जो आउटर स्केचेस आ रहे हैं। सो इस तरह से हम कन्वर्ट कर देंगे इनको। देन इसके बाद क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेपर आ रहा है मेरे पास। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन क्रिएट करेंगे, सेंटर से ही लेके चलते हैं। सो यहाँ से हमारे पास एक लाइन क्रिएट हो गई है, इसे हम कन्वर्ट एंटिटी भी कर देंगे। सो इस तरह से इसे हम ट्रिम भी कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका यहाँ से भी एक गैप दे रखा है। सो गैप किसके इक्वल है, जितना हमारे पास ये वाला गैप दे रखा है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, अब इसको मेजर करने के लिए हमें क्या करना है, इसके इक्वल चाहिए हमें लेंथ। तो इसको हम यहाँ से वायर फ्रेम में कर लेंगे, और यहाँ से हम इसकी लाइन को पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हो। देन अगेन बैक टू सेम सॉलिड। और इसके बाद हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसे ज्वाइन कर देंगे यहां से, इस
इस पॉइंट को उस पॉइंट से और यहां से यहां तक। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से लाइन को ज्वाइन कर देंगे, स्ट्रेट जाएगी हमारी लाइन एक, तो आप देख सकते हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट में। सो इस तरह से हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहां से हम इस लाइन को ट्रिम कर देंगे और इस ऑब्जेक्ट को भी ट्रिम कर देंगे, ये भी लाइन हमारी यहाँ से ट्रिम हो जाएगी और रेस्ट ऑफ द पार्ट हमारे पास यहाँ पे मिरर हो जाएगा जो हमने वन साइड ही बना रखे है। सो मेक श्योर कि आपकी जो सेंटर लाइन है वो स्ट्रेट रहे और यहाँ से हम इसे मिरर कर देंगे। कौन कौन से एंटिटीज आ रही हैं आपके पास, ये दो एंटिटीज आ रही हैं। सो इस तरह से आप इसे मिरर कर सकते हैं और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो आपको नहीं चाहिए उसे आप ट्रिम कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप यहाँ पे पैच आना स्टार्ट हो गया, इट मींस हमारा स्केच जो वो कंप्लीट हो चुका है। सो क्लोज कर दीजिए इसे और यहां से हम इसे एक्सट्रूड कर देंगे। सो हमें एक्सट्रूड कितना करना है, सेम ही थिकनेस है इसकी 1.3 mm। सो इसे हम एक्सट्रूड कर देंगे। अब यहाँ पे कंट्यूर्स पूछ रहे हैं तो कंट्यूर्स आपके पास ये वाला आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा, यहाँ पे भी आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो इसे हम डाउनवर्ड साइड एक्सट्रूड करेंगे और 1.3 mm एक्सट्रूड करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसी तरह से हमारा ये ऑब्जेक्ट आया। ओके, देन हमारे पास यहां से राइट व्यू आ जाएगा और राइट व्यू से हम इसमें कट लगाएंगे। तो इसे हम अगेन वायरफ्रेम में ऑन कर लेते हैं। सो कट किस तरह से आ जाएंगे हमारे पास, सो साइड से जैसे देख सकते हो इस तरह से हमारे पास ये स्केच आ रहा है। तो चाहे तो फ्रेंड्स आप इसकी डायमेंशन ले भी सकते हैं। तो हमारे पास जैसे इसकी डायमेंशन हमने वर्नियर कैलिपर से मेजर की है तो कितनी आ रही है, 5.9 mm आ रही है। सो आप इसकी डायमेंशन यहाँ से पिक कर सकते हैं और इसके बाद हमारे पास स्टेपर कितना आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स इसमें 2 mm का हमारे पास स्टेपर आ रहा है, तो इस तरह से हम इसमें टेपर भी क्रिएट कर लेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, कन्वर्ट एंटिटी करेंगे इस लाइन की और जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमारे पास वो ट्रिम हो जाएगा और इसको मेजर भी कर लेंगे क्योंकि हमारे पास ये लेंथ भी दे रखी है तो कितनी है, 2 mm की है। सो इस तरह से हम इसे मेजर कर लेंगे और देन रेस्ट ऑफ द पार्ट इसको क्लोज कर देंगे यहाँ से क्लोज। और देखिए अब स्केच जो हमारा सेंटर पे आ रहा है तो इसे एक्सट्रूड कट करना भी इजी है और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड कट को अप्लाई करेंगे और थ्रू ऑल इन द बोथ साइड ओके करेंगे तो इस तरह से आपके पास ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कभी कभी ये मिस्टेक हो जाती है, सो इसको रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, आपको इसका मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। यहाँ पे हम एडिट स्केच में चले जाएंगे, एक लाइन क्रिएट करेंगे और इसे एक्सटेंड कर देंगे। सो मेक श्योर कि अगर बॉडी इस तरह की है तो आप एक्स्ट्रा ही स्केच लेके चलो ताकि आपको कटिंग में कोई दिक्कत ना है। सो फ्रेंड्स इस तरह से आपके पास ये जो ट्रिम है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं उसने इस पार्ट को भी ट्रिम कर दिया। सो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे पास सारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, तो इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस तरह से आप कोई भी प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें एक चीज की कमी है जो इसका कलर आ रहा है। सो कलर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मटेरियल डिफाइन करेंगे। सो मटेरियल में जाएंगे, एडिट मटेरियल, और मटेरियल क्या है मेरे पास यहाँ पे, प्लास्टिक का। सो हम यहाँ पे प्लास्टिक की कैटेगरी में चले जाएंगे और हमेशा हमारे पास जो नॉर्मली मटेरियल आता है वो आता है पीईटी का। सो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, क्लोज कर देंगे तो आप देख सकते हो इसका जो मटेरियल है वो यहाँ पे अप्लाई हुआ और उसका कलर भी चेंज हो गया। और इसकी अगर एजेस को नहीं देखना चाहते तो आप इस तरह से इसकी एजेस को
ऑफ कर सकते हैं और इस तरह से आपका जो प्रोडक्ट है वो दिखाई देगा। और गाइस इसमें अगर आप रेंडर निकालना चाहते हो तो आप रेंडर भी निकाल सकते हैं। तो गाइस रेंडर के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे एडिंस करना है आपने। एडिंस किसको करना है आपने, फोटो व्यू 360 को। सो यहाँ से आप फोटो व्यू 360 को जैसे ही एड इन करेंगे तो यहाँ पे रेंडर टूल की ऑप्शन आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ से मैं आपको सिंपल वे बता रहा हूँ एक रेंडर निकालने का, अदरवाइज यहाँ पे और भी ऑप्शंस होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। सो यहाँ पे जो नॉर्मली यूज होते हैं, सबसे ज्यादा यूज होते हैं, एक तो ऑप्शन है। सो ऑप्शन में आप क्या कर सकते हो, रेंडर क्वालिटी को आप इंक्रीज बेटर बेस्ट यहाँ पे ये चेक कर सकते हो, और अपने जो रेंडर की इमेज है उसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। आप पीएनजी में रखना चाहते हैं, जेपीजी में रखना चाहते हैं, किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और पीएनजी का मतलब होता है बैकग्राउंड उसका रिमूव हो जाएगा, जेपीजी का मतलब है कि वो एज इट इज आएगी जैसे यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड आपके पास अवेलेबल रहेगा। सो इसके साइज को अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं आप साइज को कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ से। सो बाकी आपने यहाँ पे किसी को नहीं छेड़ना है और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऐसे ही रहने देंगे, ओके कर देंगे। और यहाँ से हम अगर आप रेंडर रीजन सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप रेंडर रीजन को सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसे आप ऑफ कर सकते हैं। ओके, सो इसमें आप डायरेक्टली इसका फाइनल रेंडर भी निकाल सकते हैं और कंटिन्यू विदाउट कैमरा और पर्सपेक्टिव। सो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से इसका फाइनल रेंडर जो आपके पास निकल आएगा। ओके, तो गाइस इस तरह से आप इसे बना सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को आप ट्रीट कर सकते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह की वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम इसी तरह की वीडियोस और भी लेकर आएंगे और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश करेंगे ये लाइव ही प्रोजेक्ट रहे और कोशिश करेंगे आपको हर एक प्रोडक्ट में कुछ नया सिखा सके। ओके ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।